नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वह वर्ष 2018 में आए तूफानों के बारे में। रिसेंटली एग्जाम के ट्रेंड की बात करें तो तूफानों के बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आज रिसेंटली जो तूफान हुए 2018 में स्पेशली मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि तूफानों के बारे में जानकारी लेके आए हूं और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में गाजा तूफान भारत के किस राज्य में आया था। तो सही उत्तर है गाजा तूफान आया था दोस्तों भारत के किस राज्य में, वेरी गुड, भारत के तमिलनाडु राज्य में आया था गाजा तूफान, यानी सही उत्तर होगा डी यानी तमिलनाडु। अब गाजा तूफान ने किन किन राज्यों को जो है प्रभावित किया, तमिलनाडु और पुडुचेरी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस गाजा तूफान ने, जो कि बंगाल की खाड़ी में से स्टार्ट हुई थी चक्रवात के रूप में। कहीं कहीं पे इस गाजा तूफान का आपको गज के नाम से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, गाजा तूफान को कहीं कहीं गज के नाम से भी देखने को मिलेगा, गज यानी हाथी। 2018 में आया था ये गाजा तूफान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तितली तूफान भारत के किस राज्य में आया था, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है तितली तूफान आया था दोस्तों, वेरी गुड, भारत के उड़ीसा राज्य में आया था तितली तूफान। और तितली तूफान के बारे में कहां से उठी थी, ये बंगाल की खाड़ी से उठी थी, नाम है तितली तूफान, आया था उड़ीसा राज्य में, जिसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिसके गवर्नर है गणेशी लाल। और ये तितली नाम किसने, किस देश ने दिया था, तितली नाम दिया था पाकिस्तान ने इसे। अगला प्रश्न है कि ओखी तूफान भारत के किस राज्य में आया था, ओखी साइक्लोन, ये जो साइक्लोन है ये 2017 में आया था, अब किस राज्य को अफेक्टेड किया था, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। वेरी गुड दोस्तों, ओखी तूफान जो है भारत के तमिलनाडु और केरल में आया था, यानी सही उत्तर होगा ए यानी तमिलनाडु और केरल। ओखी तूफान ने मोस्टली तमिलनाडु, केरल और जो साउदर्न पार्ट है इंडिया के उसको अफेक्टेड किया, मालदीव, श्रीलंका और साउथ इंडिया को अफेक्टेड किया था इस ओखी तूफान ने। ओखी तूफान का नामांकन जो है किस देश ने किया था, अगर पूछा जाए तो इसका नामांकन किया था बांग्लादेश ने। और हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है किसने, शेख हसीना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माइकल तूफान किस देश में आया था, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। वेरी गुड दोस्तों, माइकल तूफान आया था किस देश में, अमेरिका में, यानी सही उत्तर होगा बी यानी अमेरिका। अब ये माइकल तूफान आया कब था, वर्ष 2018 में आया था, स्पेशली अमेरिका के फ्लोरिडा शहर को इसने तबाह किया था। ये इसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और इफेक्टेड किया था किस देश को, अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है कि जेबी तूफान किस देश में आया था, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। वेरी गुड, जेबी तूफान आया था जापान में, यानी सही उत्तर होगा सी यानी जापान। जेबी तूफान भी वर्ष 2018 में आया था और ये कहा जाता है कि पिछले 25 सालों में सबसे शक्तिशाली तूफान था और जापान में आने के कारण जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो, करेंसी चलती है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। अगला प्रश्न है कि सिमरोन तूफान किस देश में आया था, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। वेरी गुड, सिमरोन तूफान आया था जापान में, यानी सही उत्तर होगा पी यानी जापान। फिर से थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया जापान में कौन सा तूफान आया था, जापान में आया था जेबी तूफान और ये सिमरोन तूफान भी आया था जापान में। कब आया था, अगस्त 2018 में, जापान की राजधानी टोक्यो को इफेक्टेड किया था इसने और जापान में आया था, इसमें लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चली थी। अगला प्रश्न है कि जोगदारी तूफान किस देश में आया था, कौन सा तूफान, जोगदारी तूफान किस देश में आया था। वेरी गुड, जोगदारी तूफान आया था चाइना में, यानी सही उत्तर होगा सी यानी चाइना। कब आया था ये, अगस्त 2018 में आया था और चाइना के संघाई शहर को इसने अफेक्टेड किया था, चीन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है कि एलिनोर तूफान किस देश में आया था, सही उत्तर है एलिनोर तूफान आया था
ब्रिटेन में, यानी सही उत्तर होगा ए यानी ब्रिटेन। कब ये आया था? जनवरी 2018 में ब्रिटेन में आया था। इसमें लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, एलिनोर तूफान। अगला प्रश्न है कि सांबा तूफान किस देश में आया था? तो सांबा तूफान आया था दोस्तों फिलीपींस में आया था। सही उत्तर है सी यानी फिलीपींस। कब आया था? फरवरी 2018 में आया था फिलीपींस में। फिलीपींस एक एशियन कंट्री है। प्रेसिडेंट कौन है उसके? रोजो डुटोर्टे। कैपिटल है मनीला और प्रेसिडेंट है रोडिजो डुटोर्टे। अगला प्रश्न है केल्विन तूफान किस देश में आया था? वेरी गुड, केल्विन तूफान आया था ऑस्ट्रेलिया में, यानी सही उत्तर होगा ए यानी ऑस्ट्रेलिया। किस वर्ष आया था? फरवरी 2018 में आया था। इफेक्टेड किया था मुख्यतः पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है रिले तूफान किस देश में आया था? वेरी गुड दोस्तों, रिले तूफान आया था अमेरिका में। अमेरिका में जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और कौन सा तूफान आया था दोस्तों? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया अमेरिका के बारे में। माइकल तूफान भी आया था कहां पे? अमेरिका में। और ये रिले तूफान भी कहां पे आया? अमेरिका में। अब ये तूफान आया कब था? मार्च 2018 में आया था। इसमें लगभग 30.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई थी अमेरिका में। सही उत्तर होगा बी अमेरिका। कौन सा तूफान? रिले तूफान। अगला प्रश्न है एम्पिल टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया? तो सही उत्तर है इसने प्रभावित किया चाइना को। चाइना को और किस तूफान ने प्रभावित किया था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको कमेंट करना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो जरूर आप उत्तर कर पा रहे होंगे। अगला जो तूफान है वो है कैनी तूफान। कैनी तूफान किस देश में आया था? तो ये आया था फिजी में। सही उत्तर होगा सी यानी फिजी। आया था कैनी तूफान। किस वर्ष आया था? 2018 के अप्रैल मंथ में आया था। ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। और कैनी, फिजी की अगर बात करें तो फिजी एक कैपिटल कौन सी है? सुवा है फिजी की कैपिटल। करेंसी है फिजियन डॉलर। कंटिनेंट है ओशियाना। अगला प्रश्न है जसाई तूफान किस देश में आया था? वेरी गुड, जसाई तूफान आया था फिजी में। फिजी में ही कौन सा तूफान आया था? कैनी तूफान और जसाई तूफान भी आया था फिजी में। दोनों को एक साथ देने का मकसद है आपको ठीक से याद रह सके। कब आया था? अप्रैल 2018 में। अगला प्रश्न है डे तूफान भारत के किन राज्यों में आया था? तो भारत के उड़ीसा राज्य में डे तूफान आया था। किस वर्ष आया था? सितंबर 2018 में आया था ये डे तूफान उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है तूफान लेन ने किस देश को प्रभावित किया? तो सही उत्तर है लेन तूफान ने जापान को प्रभावित किया था। तो सही उत्तर होगा सी यानी जापान। जापान में और कौन से तूफान आए थे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। तो आप लोग एक बार एकत्रित करते लिखने की कोशिश कीजिए कि जापान में कौन से तूफान आए थे और मुझे कमेंट करें। आपको याद करने में आसानी होगी। लेन तूफान भी आया था जापान में। अगला प्रश्न है मेकुनू तूफान कहाँ आया था? तो ये आया था यमन में। तो सही उत्तर होगा ए यानी यमन। मेकुनू तूफान ने ओमान और यमन को तबाही मचा दी थी वहां पे। किस वर्ष आया था? 2018 के मई मंथ में आया था। नाम था मेकुनू तूफान। ये कहाँ से उठा था? ये पश्चिमी मध्य अरब सागर में बना एक चक्रवाती तूफान था। आया था यमन में। यमन की कैपिटल कौन सी है? सनाज। यमन की करेंसी कौन सी है? यमनी रियाल। अगला प्रश्न है कि सागर तूफान कहाँ आया था? तो सागर तूफान आया था दोस्तों, वेरी गुड, यमन की खाड़ी में आया था। तो सही उत्तर है बी यानी यमन की खाड़ी। अब अल्बर्टो तूफान के बारे में पूछा जा सकता है कि अल्बर्टो तूफान ने किन किन देशों को प्रभावित किया? तो अल्बर्टो तूफान ने अलबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी को प्रभावित किया था। इन तीन देशों को प्रभावित किया था अल्बर्टो तूफान ने, अल्बामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी को। अगला प्रश्न है कि तालीम तूफान किस देश में आया था? तो ये तालीम तूफान आया था जापान में। फिर से जापान में तूफान कौन सा आया?
तो तालीम तूफान आया। इसके पहले मैंने बताया जेबी तूफान, टॉमी तूफान और लैंड तूफान, कहाँ आया था? जापान में। और तालीम तूफान भी आया जापान में। इस तरह से सारी चीजों को एक जगह एकत्रित करने की कोशिश कीजिए, आपको हमेशा से चीजें याद रहेंगी। अगला प्रश्न है कि केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बचाव के लिए भारतीय सेना ने कौन से अभियान की शुरुआत की? तो सही उत्तर है, हाल ही में आपको पता होगा केरल में भयानक बाढ़ आई थी और उसके बचाव के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सहयोग अभियान की शुरुआत की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा आज का क्विज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में फियाजा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। इसके साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।